नमस्ते दोस्तों, चाय किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी मीठा पोहा चूड़ा रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये शाम के टाइम चाय के साथ खाइएगा, और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। तो मीठे पोहा रेसिपी बनाने के लिए ये देखिए, मैं पोहा ले ली हूँ, इसे चूड़ा भी बोलते हैं। तो इसे मैं एक छन्नी से छान लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह का छेद वाला थाली ली हूँ, ये तो सभी का घर में रहते हैं। तो इसी में चूड़ा को छान लेती हूँ। इसमें जो छोटा छोटा रहता है, थोड़ा मोड़ा जो गर्दा उर्दा रहता है, वो निकल जाएगा। तो देखिए, मैं छान ली हूँ, अब देखिए बाकी जो छोटा था वो निकल गया। तो चलिए अब इसे फ्राई करती हूँ। पोहा को छानने के लिए तेल को मैं गर्म होने पहले ही दे दी थी। मैं रिफाइंड तेल दी हूँ, तो इसमें मैं पूड़ी तली थी वही वाला तेल है। तो तेल गर्म हो गया है, तब मैं दे देती हूँ पोहा को। तो देखिए भुन गया है, तब मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह करके सारे मैं छान लेती हूँ। तो देखिए, सारे चूड़े को फ्राई कर ली हूँ। तो चलिए अब इसमें बादाम फ्राई करती हूँ। तो देखिए, ये ले ली हूँ बादाम, दे देती हूँ। तो देखिए, बादाम भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये मैं कुछ गढ़ी और किशमिश ली हूँ, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये मैं दो सूखा मिर्च ली हूँ, इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। मिर्ची भी फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। तेल को मैं नीचे उतार ली हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता फ्राई करूँगी, ये बहुत चटकता है। तो देखिए, ये भी फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए, सारे चीज़ों को मैं फ्राई कर ली हूँ। तब मिक्स करूंगी और इसमें क्या क्या डालूंगी आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, दो मिर्ची को मैं फ्राई की थी, उसे मैं एक कटोरी में ले ली हूँ। तब मैं इसी में दे देती हूँ थोड़ा सा नमक। अब इसे तोड़ के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, नमक के साथ मिर्ची को तोड़ के इस तरह का मिला ली हूँ। तो चलिए अब चूड़ा में मिलाती हूँ। तब मैं इसे दे देती हूँ। अब मैं दे देती हूँ भुना हुआ बादाम। अब मैं दे देती हूँ कड़ी पत्ता। अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं मीठा बनाऊंगी, तो मैं दे देती हूँ शुगर पाउडर थोड़ा सा, गड़ी किशमिश को जो फ्राई करके रखी थी उसे भी दे देती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे आप डब्बे में भर के रखिएगा, शाम के टाइम चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो मेरा मीठा चूड़ा भुंजा बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ और ऐसी एक नई रेसिपी में।